जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई घटना के बाद से ही मोदी सरकार एक के बाद एक कड़े तेवर अपना रही है। एक तरफ जहां पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए सरकार ने नई रणनीति तैयार की है, तो वहीं घाटी की शांति भंग करने वाले हुर्रियतों पर भी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की है। इतना ही नहीं, इस बार गाज जहर उगलने वाले कुछ राजनेताओं पर भी गिरी है। पुलवामा की घटना के बाद अलगाववादियों पर मोदी सरकार ने अब बड़ा चाबुक चलाया है। सरकार ने पहले 4 अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ली थी, अब 18 और अलगाववादी नेताओं की सुरक्षा वापस ले ली है। इनमें हुर्रियत प्रमुख सैयद अली शाह गिलानी और JKLF प्रमुख यासीन मलिक हैं। इनके अलावा आगा सैयद मौसवी, मौलवी अब्बास अंसारी, सलीम गिलानी, शाहिदुल इस्लाम, जफर अकबर भट्ट, नईम अहमद खान, मुख्तार अहमद वाजा, फारूक अहमद किचलू, मसरूर अब्बास अंसारी, आगा सैयद अब्दुल हुसैन, अब्दुल गनी शाह और मोहम्मद मुसादे के नाम शामिल है। जहाँ एक तरफ हुर्रियतों पर सरकार ने गाज गिराई है, तो वहीं सरकार ने कुछ राजनेताओं और समाज सेवियों की सुरक्षा भी हटा ली है। सरकार ने IS से इस्तीफा देने वाले शाह फैजल और PDP नेता वाहिद पररे समेत 155 लोगों की सुरक्षा कम की है। बताया जा रहा है कि इन्हें मिली सुरक्षा की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि उनकी गतिविधियों और धमकियों के मद्देनजर दी गई सुरक्षा की अब जरूरत नहीं रह गई। इस आधार पर इनकी सुरक्षा वापस ली जाए। जिन अलगाववादियों तथा राजनेताओं से सुरक्षा हटाई गई है, उनकी सुरक्षा में 1000 पुलिसकर्मी तथा लगभग 100 गाड़ियां लगी हुई थी। अब इनका इस्तेमाल पुलिस विभाग बेहतर सुरक्षा व्यवस्था के लिए कर सकता है। आपको बता दें कि इससे पहले रविवार को सरकार ने हुर्रियत प्रमुख मीरवाइज उमर फारूक, अब्दुल गनी भट्ट, बिलाल लोन, हाशिम कुरैशी और शब्बीर शाह की सुरक्षा हटाई थी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।